मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में जो हमारी न्यायपालिका से संबंधित, जी हाँ दोस्तों, राज्य की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था पर और सुप्रीम कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर के बीच की संस्था पर बात करने वाले हैं। तो फिर देर की बात की है, जल्द से जल्द एकदम तैयार हो जाइए क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चर्चाएं करना अभी बाकी है। आइए दोस्तों फिर देर नहीं करना है, एक एक करके बात करते हैं। देखिए जैसे हमारे क्या है, न्याय व्यवस्था है, तो हम लोग बात आज किस पर करेंगे, उच्च न्यायालय पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, उच्च न्यायालय पर बात करेंगे। उच्च न्यायालय राज्य का, जी हाँ दोस्तों, जो राज्य है, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, सबसे बड़ा न्यायालय होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे बड़ा न्यायालय होता है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है कौन भैया, उच्च न्यायालय। अब देखिए हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। अब देखिए दोस्तों एकीकृत न्याय व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है, एकीकृत न्याय व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण है। जो हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था है उसमें कहने का मतलब पद सोपान की भांति है, पद सोपान की भांति है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ दोस्तों, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देखे होंगे कि जो आज हम लोग हाई कोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वह हाई कोर्ट किसके नीचे है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट, और किसके ऊपर है, तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, याद रखिएगा अधीनस्थ, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय या जिला न्यायालय के ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट के नीचे है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे है, ठीक। तो इस तरह आपने देख लिया है कि बहुत महत्वपूर्ण न्यायालय है आपका उच्च न्यायालय, और इसी पर आज हमारी चर्चाएं होना जारी हो रही हैं। तो इनको अच्छे से ध्यान दीजिए और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, समस्त बातें करेंगे। आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं आगे बातें। उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक। उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था, ये बातें आपको जानना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से बातें समझ में आ रही हैं जो अपने आप में बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो हर एक बातों पर हम लोगों की क्या हो रही है, चर्चा जारी है, जी हाँ दोस्तों। तो नोट करने वाली बातें तो सामने आ ही रही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो बातें हमारी चल रही हैं वह उच्च न्यायालय से संबंधित चल रही हैं। आगे देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था, जी हाँ, और इसी के तहत
1862 ईस्वी में, इसी के तहत 1862 ईस्वी में तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तीन उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता उच्च न्यायालय, जी हाँ दोस्तों, फिर आपका बम्बई उच्च न्यायालय या फिर मद्रास उच्च न्यायालय भी कह सकते हो, ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय और बम्बई उच्च न्यायालय, ठीक है, ये तीन उच्च न्यायालय हैं, जी हाँ दोस्तों, इनकी स्थापना 1862 में ही की गई थी। लेकिन सबसे पहले भारत में किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो वह था, जी हाँ, कलकत्ता का हाई कोर्ट, याद रखना, कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो 1862 में ये तीन उच्च न्यायालय आए थे, क्या 1862 ईस्वी में यह तीन उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए थे, तो यहाँ से भी बातें समझ में आनी चाहिए थी, जानना चाहिए था। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा उच्च न्यायालय हमारा इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है, चौथा उच्च न्यायालय हमारा इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अगर खंडपीठ की बात करें, कि इलाहाबाद, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, ठीक है, उच्च न्यायालय की, न्यायालय की खंडपीठ, खंडपीठ कहाँ है भैया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ है तो आपके लखनऊ में है, ठीक है, कहाँ है, लखनऊ में है, लखनऊ में है, ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। अब देखिए, जो हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, यह देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, देश का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ठीक है, एशिया का ही नहीं, यह विश्व का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ठीक है, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अब देखिए दोस्तों, क्यों है यह सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 160 जजों के बेंच का यह न्यायाधीश है, ठीक है, और आप जब यहाँ आएंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, तो एक तरह से देखेंगे दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भी यह सबसे ज़्यादा अर्थात क्षेत्र का पार्ट समझता है, ठीक है, कहने का मतलब इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जी हाँ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े न्यायालय का तो एक ही उच्च न्यायालय होता है एक राज्य में, बहुत बड़ी जनसंख्या का क्या कर रहा है दोस्तों, पदभार संभाले हुए है, कार्यभार संभाले हुए है, तो इस तरह इतनी बड़ी जनसंख्या किसी भी उच्च न्यायालय में नहीं आती है, ठीक है, कितनी बड़ी जनसंख्या किसी भी उच्च न्यायालय में नहीं आती है, ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा पार्ट्स है अपने आप में, ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तो इसको भी पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें वर्तमान में
देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय ठीक है दोस्तों, जनवरी 2019 आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे पहले आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय था वह हैदराबाद में था, और आपको पता होना चाहिए यह उच्च न्यायालय तेलंगाना में चला गया। कहाँ चला गया? तेलंगाना में चला गया, जिससे, ठीक है दोस्तों, यह उच्च न्यायालय आपके कहाँ है? अब आंध्र प्रदेश का पूरा कार्य अब हैदराबाद में, तो दोस्तों अब पार्ट अलग अलग हो गया। पहले लोग जाते थे, लेकिन अब विवाद का विषय तो बन सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से बात क्यों महत्वपूर्ण नज़र आ रही है। महत्वपूर्ण इसलिए नज़र आ रही है कि दोस्तों जो तेलंगाना उच्च न्यायालय और तेलंगाना में हैदराबाद हो गया, तो आंध्र प्रदेश को क्या करना पड़ा? जल्द से जल्द अपना उच्च न्यायालय स्थापित करना पड़ा, ठीक है ना दोस्तों। और अभी 10 वर्ष तक ये राजधानी भी है, आप जानते हैं कि 2024 तक यह राजधानी भी रहेगी, हैदराबाद ही आंध्र प्रदेश की, उसके बाद बदलेगी ना अमरावती हरण, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। चले भाई, आप नोट करते चलिएगा, फिर हम टाइम नहीं देंगे बेटा कि अब दोबारा सर आप दिखाइए, तो फिर ये मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। जी हाँ, अगर आपको पता होना चाहिए तो आप जानिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय में, याद रखिएगा, जो 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं, इन 25 उच्च न्यायालयों में, ठीक है, 23 उच्च न्यायालय जी राज्यों के हैं, और 2 उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश के हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के हैं। और ये 2 उच्च न्यायालय किसके किसके हैं दोस्तों, आपको बता दें, एक जो है आपके, ये बातें पता होनी चाहिए आपको, एक जम्मू कश्मीर का है और दूसरा दिल्ली का है। ये दो मात्र ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है, बाकी अन्य किसी भी, जी हाँ दोस्तों, जितने भी आपके निकाय अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है, उनका स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी। तो इस तरह दोस्तों ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए, जानने की बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। चलते हैं फिर आगे, बात करते हैं, शानदार बातें करेंगे, एक एक बातें करेंगे, ठीक है।
चलिए भारतीय संविधान के भाग 6 में जितना पॉइंट बता रहा हूं ना एकदम मजा आ जाएगा। उच्च न्यायालय इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं क्या, मुझे तो पता ही नहीं था कि हाई कोर्ट भी कहते हैं। ठीक, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में है। भारतीय संविधान के कहां भाग 6 में है याद रखिएगा, और अनुच्छेद 214 से 231 के मध्य में है। अनुच्छेद 214 से 231 के मध्य में है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए था, यहीं से बातें निकल करके आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में जानना चाहिए था आपको। ठीक है, आगे चलें दोस्तों, आगे बात करते हैं क्योंकि आगे भी बहुत शानदार चीज़ें हैं जानने के लिए। अभी तो बहुत कुछ, अभी तो ये ट्रेलर है। जी हाँ, पूरा पिक्चर तो अभी बाकी है, आप जानते ही हैं दोस्तों, क्योंकि ठीक है ये जानना चाहिए यहाँ से, क्योंकि आप अब हम लोग जो बातें करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं अनुच्छेद से संबंधित, एक एक अनुच्छेद पर बातें करते हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन पर चर्चा होगी। तो पहला अनुच्छेद हम लेते हैं, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में किस बात का उल्लेख है? ठीक है, अनुच्छेद 214 में लिखा हुआ है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इस बात का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 214 में है। राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, होगा। अब देखिए आगे क्या लिख दिया, होगा, लेकिन सातवें संविधान संशोधन 1956 आया था क्या, बताइए बेटा, तो इसके तहत क्या हुआ था, कोई बताएगा? यहाँ पर बस यही चीज मैं नोट करवाने चाहता था कि सातवां संविधान संशोधन राज्यपाल से संबंधित है, यहाँ उच्च न्यायालय में ला करके मत डाल दीजिएगा। कहीं कहीं बुकों में दे दिया है कि सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये कह दिया गया है कि दोस्तों एक ही उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए होगा, जो सरासर गलत नजर आता है। आपको बता दें अनुच्छेद 231 में लिखा हुआ है, किसमें, अनुच्छेद 231 में लिखा है कि एक ही उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और एक ही उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए रहेगा। ये बातें बहुत अच्छी लगती है हमको। ठीक है, ये बातें हमको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो कहने का मतलब दो से अधिक या एक से अधिक राज्यों का जो साझा उच्च न्यायालय है वह आपके यहीं पर है। ठीक है, यहीं पर है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसीलिए आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा का एक ही में है। ठीक है,
फिर इधर आप अभी याद रखिएगा बहुत सारे जैसे नागालैंड और इसका अरुणाचल प्रदेश का तो असम वाले पार्ट में है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे राज्यों का देखे होंगे जो स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, जो स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है यहीं पर कार्यरत हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं दोस्तों, जो सर्वाधिक न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय है वह आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। आपको हम बता दें जो सबसे कम उच्च न्यायालयों की पीठ वाला न्यायालय है वह आपका सिक्किम का है। किसका है? सिक्किम का है। और जो पूरे उच्च न्यायालयों की जो अनुमानितः संख्या रखी गई है वह 1054 के आसपास नज़र आती है। कितना? 1054। जी हाँ दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या पूरे उच्च न्यायालयों को मिलाने के बाद नज़र आती है। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपके प्रश्न बनते हैं तो इनको भी नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलें दोस्तों आगे देखते हैं। अनुच्छेद 215 इतना महत्वपूर्ण है नहीं, अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में क्या है? उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है। ठीक है, उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 216 के तहत है। ये बातें आपको जानना चाहिए था, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला अनुच्छेद है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 क्या है भैया? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। ध्यान से समझते जाइएगा, से संबंधित। कहने का मतलब ये है, इसमें ये लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा। अनुच्छेद 217 के तहत इस बात का पता हो रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, एक एक करके बात करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से ही किसी भी न्यायालय में किसी को भी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं या फिर कुछ इसके लिए प्रोसेस भी है? तो इसके लिए प्रोसेस है। क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, राष्ट्रपति निम्नलिखित
लोगों की सलाह पर न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं किसकी सलाह लेते हैं भैया? तो ये भी बात तो जानने लायक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति निम्नलिखित लोगों की सलाह पर न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, कौन कौन है देख लीजिए दोस्तों। नंबर वन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट मामला तीसरे मामले से जो 1998 में आया था, इस मामले से ये कहा गया है कि दो वरिष्ठतम न्यायाधीश भी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये बातें हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको दिखता नहीं है वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये बातें हैं बीच में लेकिन नहीं दिखता है। क्या दिख जाता है दोस्तों? दूसरा याद रखिएगा नहीं तो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मेन यही लिखा रहता है, आप लोग इतना देखेगा, लेकिन यहाँ चलता है ये जान लीजिए, लेकिन दिखाई नहीं देता है, आपको पता होना चाहिए। ये मामला 1998 में आया था। दूसरा, संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह, देखते जाइए अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सलाह, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेंगे और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह लेंगे, किसके मामले में? जब किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो, ध्यान से समझते जाइएगा, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अर्थात मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे और साथ ही साथ संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेंगे। याद रखिएगा, ये दोनों से ये क्या करते हैं? सलाह लेते हैं। जब ये दोनों से ये सलाह लेते हैं तो इन्हीं की सलाह पर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है। कौन? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, इन दोनों की सलाह में मुख्य न्यायाधीश, किसका? हाई कोर्ट का। लेकिन जब हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे तब दोस्तों याद रखिएगा नहीं, तीसरा पॉइंट, तब उस हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे। अब देखते जाइए क्या स्टेप बदल रहा है।
जब राष्ट्रपति किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे तो राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे और संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह ले करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन जब हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को नियुक्त करना होगा तब तीन लोगों की सलाह लेंगे, किसकी किसकी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल की, और साथ ही उसी हाई कोर्ट में जिस हाई कोर्ट में नियुक्त करने जा रहे हैं उसके मुख्य न्यायाधीश की, इन तीन लोगों की सलाह लेते हैं राष्ट्रपति। और मान लीजिए दोस्तों दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है, दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय जिसे साझा उच्च न्यायालय कहा जाएगा, तब फिर याद रखिएगा स्थिति फिर बदलेगी। क्या बदलेगी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, और जिन दोनों राज्यों का वह साझा उच्च न्यायालय है उन दोनों राज्यों के, जी हाँ दोस्तों, जो राज्यपाल हैं उनसे सलाह लेगा। अगर अलग अलग राज्य के राज्यपाल हैं तो अलग अलग सलाह, अगर एक है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों जिस राज्य का साझा न्यायालय है उसका एक ही राज्यपाल दोनों को देखता है, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह आपको जानना चाहिए यह स्थिति बनती है, ठीक है, यह स्थिति बनती है। यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स था ना, याद रखिएगा। चले आगे आए तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, चलिए आगे आते हैं। देखिए दोस्तों हम लोगों ने इतनी बात की अर्थात नियुक्ति के संबंध में। अब देखिए दोस्तों जो न्यायाधीशों की संख्या में कटौती या वृद्धि, न्यायाधीशों की संख्या में कटौती या वृद्धि करने की जो पावर है वह राष्ट्रपति के पास है। किसके पास भैया, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन याद रखिएगा जो इसमें राष्ट्रपति मुख्य भूमिका निभाते हैं वह संसद आ जाती है बीच में, ठीक है। न्यायाधीशों में जो मेन आते हैं वो राष्ट्रपति हैं लेकिन यहाँ संसद भी अहम रोल निभाती है। तो कहने का मतलब ये है भैया कि राज्यों में न्यायाधीश की संख्या राष्ट्रपति की इच्छा पर होती है, ये याद रखिएगा। और ये किस आधार पर होती है दोस्तों, तो कितने मुकदमे हैं और जनसंख्या है, दो आधार हैं कि उस राज्य में जो भी राज्य है उस राज्य में जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, ठीक है, जनसंख्या कितनी ज़्यादा है और मुकदमा कौन कौन से है, ठीक है दोस्तों, कितना ज़्यादा है।
मुकदमा कितना ज़्यादा है, केसेस कितने ज़्यादा हैं, इन्हीं दोनों आधार पर यह होता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए था, जानना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें हम लोगों ने किया, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत शानदार बातें थी ना। जी हाँ, चले आगे देखते हैं भैया, योग्यता से संबंधित बातें। योग्यता क्या होनी चाहिए कि ऐसे ही अर्थात नियुक्त कर देंगे, योग्यता या फिर अर्हताएं, योग्यता या फिर अर्हताएं। योग्यता में क्या है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, सबसे पहला पॉइंट यही है, याद रखिए। और योग्यता सिर्फ दो ही होती है, ठीक है। जिस तरह मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के या अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के योग्यता दो ही है, उसी तरह यहाँ पर भी योग्यता का निर्धारण सिर्फ दो ही है। क्या है, भारत का नागरिक हो, जाहिर सी बात है भारत का नागरिक हो, ये तो ठीक बात है भारत का नागरिक हो, लेकिन साथ ही साथ और क्या कह रहा है दूसरा, 10 वर्षों से न्यायिक क्षेत्र में हो, ये क्या है दोस्तों, 10 वर्षों से न्यायिक क्षेत्र में, इसका मतलब ये है कि वह 10 वर्षों से न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है, याद रखिएगा इसको, 10 वर्षों, ये सेंटेंस नहीं मिला, भारत का नागरिक हो, 10 वर्षों से न्यायिक क्षेत्र में कार्यरत हो, या फिर इसका अनुभव हो, लिखा है कार्यरत हो, अनुभव हो, दोनों लिखा हुआ है, अनुभव याद रखिएगा। तो यहां पर बातें निकल करके सामने क्या आ गई भाई, कि उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। तो ठीक है, भारत के भाई न्यायिक कार्य का मतलब यहाँ पर न्यायाधीश हो और कुछ नहीं है, यहाँ जो ऊट पटांग लिखा हो न्यायाधीश से है, 10 वर्षों से न्यायिक क्षेत्र में कार्यरत हो या अनुभव हो। तीसरा में आर चलता है अथवा, अथवा क्या है, एक उच्च न्यायालय हो या किसी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या न्यायालय में, या न्यायालय में 10 वर्ष वकालत का अनुभव हो, ठीक, भारत का नागरिक हो, ठीक। दूसरा, 10 वर्षों से न्यायिक क्षेत्र में कार्यरत हो या फिर अनुभव हो। तीसरा है दोस्तों, वह उच्च न्यायालय या फिर किसी न्यायालयों में 10 वर्षों तक लगातार वकालत कर चुका हो, 10 वर्ष वकालत का अनुभव हो, लगातार याद रखिएगा, लगातार एक शब्द जुड़ा रहता है हमेशा, लगातार, ठीक है। तो मतलब वकालत कर रहा हो 10 वर्षों से, तो ऐसे अर्थात नागरिक को इस पद पर आसीन किया जा सकता है, ऐसे नागरिक को इस पद पर आसीन किया जा सकता है, नहीं तो फिर नहीं,
तो ये दो योग्यता है, इन दो योग्यताओं में चाहे ये वाली योग्यता हो, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो मोस्ट है, मतलब इसको तो रहने रहना है, इनमें से चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में से कोई भी होगी चलेगी, ठीक है, दोनों में से कोई भी होगी चलेगी नहीं, याद रखिएगा दोस्तों। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी अच्छे से आप लोग ध्यान देते रहेंगे तो अच्छे से कार्यरत आप रह जाएंगे, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। भारत का नागरिक हो, 10 वर्षों से न्यायिक क्षेत्र में कार्यरत या अनुभव हो 10 वर्ष का, और फिर किसी उच्च न्यायालय में, जी हाँ दोस्तों, 10 वर्षों से लगातार क्या कर रहे हों, वकालत कर रहे हों, तो ऐसे आदमी को बैठाया जा सकता है। यहाँ पर समझने की बात क्या है, नोट करने की बात क्या है, नोट करने की बात यह है, उच्च न्यायालय में योग्यता की दृष्टि में प्रतिष्ठित न्यायविद को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। प्रतिष्ठित न्यायविद का मतलब कानून का अच्छा जानकार। ये क्या हुआ दोस्तों, ये तो तुम आपको कहेंगे ये का है दोस्त सर, हमने तो समझे में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब, जिस तरह आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में ये तीसरा दिया रहता था आर करके, प्रतिष्ठित न्यायविद हो या कानूनविद हो, कहने का मतलब कानून का अच्छा जानकार हो, उसे भी क्या है, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शब्द नहीं चलता है, ये योग्यता नहीं रखी गई है। बातें पता चली कि भाई प्रतिष्ठित न्यायविद हो, तो ये नहीं है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए था, जानना चाहिए था। आइए दोस्तों अनुच्छेद 219 देखते हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें करता है अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 219 में क्या लिखा है भैया, न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ का उल्लेख है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ का उल्लेख है, कौन दिलाएगा शपथ, ठीक है, कौन दिलाएगा शपथ, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, कौन दिलाएगा सब, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको यह जानकारी होगी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ संबंधित, लिखना पड़ेगा पूरा, उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं दोस्तों शपथ के मामले में। शपथ कौन दिलाता है? अर्थात जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल दिलाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए था, ये जान लीजिए। चलिए, एक प्रश्न मेरे मन में उमड़ा तो मैं क्यों ना उसको आपके सम्मुख रखूं। मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए शपथ तो राज्यपाल दिलाते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कभी त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे अपना त्याग पत्र देगा? प्रश्न है ना, महत्वपूर्ण है। शपथ तो अभी हम बात करेंगे, किस बात की शपथ लेते हैं सोचते रहिए थोड़ा सा। शपथ किस बात के लिए लेंगे? दी है दोस्तों, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेंगे। ठीक है, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेंगे। कौन भैया? आप कहनी न्यायाधीश, और कहेंगे जब तक मैं अपने कर्तव्य मतलब जब तक मैं अपने अपने इस पद को धारण करूंगा उसका निहर स्वार्थ और कर्तव्यपूर्ण ढंग से जी हाँ दोस्तों कार्य को करूंगा, साथ ही साथ जी हाँ दोस्तों संबंध या द्वेष या भय आदि से ऊपर उठ करके क्या है दोस्तों हम निर्णय देंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ये जानना चाहिए आपको नहीं, ये प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं, यहाँ से देखते रहा करिए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको नोट करते रहा करिए दोस्तों, नहीं तो कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है कहीं ना कहीं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं, शपथ तो हो गया लेकिन हम कुछ पूछे थे वो तो कोई बताया ही नहीं होगा कि बता दिए होंगे, मेरे बच्चे बता देते मुझे पता है। त्याग पत्र किसको देंगे भैया? तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं ये अपना त्याग पत्र, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए मेरा भी कर्तव्य होता है कि हम आप तक इस बात को पहुँचाएँ। ठीक है, अपना बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से। ठीक है, तो त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, राज्यपाल को नहीं देते हैं। जल्दबाजी में आंसर गलत मत करना ये जानना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी बातें हैं। ठीक है, चलिए, इनकी नियुक्ति एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में कौन करते हैं भैया? राष्ट्रपति ही करते हैं, ये बातें भी आपको समझना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अर्थात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब तक अपने पद को ग्रहण करेगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब तक अपने पद को ग्रहण करेगा? न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश कब तक अपने पद को ग्रहण करेगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, नहीं
न्यूनतम आयु का तो उल्लेख नहीं है। पहली बात जान लीजिए कि 25 वर्ष का होगा कि 30 वर्ष का होगा कि 35 वर्ष का होगा कि 40 वर्ष होगा, बनने की आयु नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु है। सेवा निवृत्त की आयु का उल्लेख है। और आपको हम बता दें दोस्तों कि जो सेवा निवृत्त की आयु है वह कितनी रखी गई है, वह आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि 62 वर्ष है। कितनी है? 62 वर्ष। 62 वर्ष की आयु में यह अपने पद से सेवा निवृत्त हो जाते हैं। 62 वर्ष की आयु में यह अपने पद से सेवा निवृत्त हो जाते हैं। ये बातें आपको समझना चाहिए था। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं तो इनको भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कहीं कहीं एग्जाम में 65 वर्ष दोस्तों इससे संबंधित प्रस्ताव पारित है, लेकिन अभी कानूनी रूप नहीं ले पाया है, ये याद रखिएगा। जिस दिन अगर वह कानूनी रूप ले लेगा उसी दिन आप समझ जाइएगा कि क्या हो जाएगा दोस्तों। 62 से बढ़ा करके जो 65 वर्ष करने की बातें चल रही हैं उन पर याद रखिएगा, अभी अभी सिर्फ और सिर्फ 62 वर्ष तक ही अपने पद को यह धारण कर सकता है, ठीक है। बाकी कार्यकाल में आप जान लीजिए कि दोस्तों 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष पद पर रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ कार्यकाल में लिखा है 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक, ये जान लीजिए दोस्तों, इसी बात का उल्लेख था। तो ये था आज का पूरा सेशन। जी हाँ दोस्तों, जब मैं अगली बार मतलब अगली क्लास लूँगा तो आपके सामने अभी बहुत सारी बातें करनी है। न्यायाधीशों का कुल वेतन कितना प्राप्त होता है, कैसे इनको हटाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहली हाई कोर्ट महिला न्यायाधीश, फिर मुख्य न्यायाधीश, ऐसे करके अभी पूरी बातें आपको चर्चा होंगी। फिर हाई कोर्ट की समस्त शक्तियों पर भी हमारी चर्चा होगी। तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। नहीं, फिर अगली क्लास में नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब मिलेंगे जल्द से जल्द। तो अपने आप को एकदम मजबूत करे रहिएगा, अगली क्लास भी आपके सामने तुरंत आएगी दोस्तों, इसके बाद ही लगी हुई है। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।